हे गाइस, कैसे हो। तो आज हम लोग खेलने वाले एक और नया गेम जिसका नाम है स्वॉर्ड ईगो। कोई भी कैसे भी उच्चारण कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वॉर्ड ईगो या फिर स्वॉर्ड ईगो कुछ भी बोल लो। तो ये गेम जो है मैंने पहले भी खेला है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो आज से लगभग 5 साल पहले या फिर 5.5 साल पहले, मुझे ठीक से याद नहीं, जब ये गेम जो है नया आया था। और यहाँ पे हमें पूरा जो मैप है यहाँ पे एक बार दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे आपको जाना है और कैसे कंप्लीट करना है। तो 5 साल मैंने इस गेम को जो है कंप्लीट कर लिया था। और आज से 5 साल पहले आप लोग समझ सकते हो यूट्यूब का जो है उतना ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं था। इस वजह से जो है मैं ये गेम यूट्यूब देख के कंप्लीट नहीं किया था, ये उस चीज़ का प्रूफ है। तो यहाँ पे स्टोरी से पहले शुरुआत करते हैं, बाद में आगे की कहानी बताएंगे। तो यहाँ पे जो है हम सो रहे थे और मेरे ख्याल से ये हम लोग एक सपना देख रहे हैं जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी जो है एक मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा है। ओके, और यहाँ पे उसने जो है अपना पावर फेंका और अंकल ने जो ब्लॉक कर दिया। ओके, यहाँ पे हम लोग उठ चुके हैं। वो व्हाट ए वर्ड डीम, हाँ, जो कि मैंने बोला था कि हम लोग जो है यहाँ पे सपना देख रहे हैं। तो ठीक है, तो चलेंगे, तो इस घर से अभी निकलेंगे। तो इधर पे जाने का रास्ता, यहाँ से जंप है, इधर से आगे और इधर से पीछे। ओके, कंट्रोल थोड़ा सा मैं भूल गया था पहले, तो याद कर लेना ज़रूरी है क्योंकि कंट्रोल की ज़रूरत है। और यहाँ पे जाने का रास्ता है क्या, नहीं है, चलो तो सामने चलते आओ। यहाँ पे जो है मुझे जंप करके, अरे भाई गिर गया। ओ भाई, शुक्र है भाई कि यहाँ पे हम लोग डूबते नहीं, वरना अरे पहली बार खेला हूँ ना, इसीलिए कंट्रोल का थोड़ा सा जो है आदत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार में जंप नहीं कर सकते क्या, मुझे लगा एक बार में कर सकते। छोड़ो, इतना छोटा जंप तो हम लोग नहीं मारते थे पहले, या फिर शायद मैं ही जंप नहीं मार पा रहा। तो ये है एल्डर्स हाउस। ओके, तो हम लोग नहीं जा सकते, दरवाज़ा बंद करके रखा है। यह है हीलर्स हाउस। ओ, हीलर्स है क्या यहाँ पे सीओसी का, और ये क्या है पता नहीं, पोर्टल टाइप का है। और यहाँ पे जो है कुछ हाड़ी वाड़ी है। और यहाँ पे अंकल हमें गोइंग समवेयर, यस अंकल, लेकिन कहाँ पे जाए, सब लोगों ने तो अपना दरवाज़ा बंद करके रख दिया। तो सामने रास्ता है तो सामने चलते हैं, आ जाओ। और ये घर भी जो बंद है, ओके नहीं, ओ इस घर के सामने हमें एक बंदा मिला, ये सेम बंदा लग रहा है जो कि पहले गया। हे, इट्स गुड दैट यू आर हियर। अच्छा, तो ये बंदा मैं बता रहा है कि हम यहाँ पे आए, बहुत अच्छा हुआ। योर मास्टर वेंट टू द वुड्स एंड शुड हैव बीन बैक बाय नाउ। ओके, तो हम लोग जो है जिसका सपना देख रहे थे वो शायद इनका मास्टर, मतलब हमारा मास्टर था। तो बिफोर यू गो टेक दिस, ओके, ये हमें स्वॉर्ड दे रहा है ताकि हम लोग अपने मास्टर को बचाने के लिए जा सकें। तो यहाँ पे हमें एक स्वॉर्ड मिल चुका है, तो जाएंगे इसको कलेक्ट करेंगे। और ये बंदा शो अप कर रहा है कि उसको कुछ मिला, गॉट आइटम ब्रास स्वॉर्ड। ओके, तो इस स्वॉर्ड का नाम है ब्रास स्वॉर्ड। ओके, कॉर्नर में जो है कुछ ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, लेकिन उससे होता क्या है, एक बार क्लिक करते हो। ओके, यहाँ पे हमें कुछ नया आइटम मिला है इसीलिए ये जो है ब्लिंक कर रहा है। तो ठीक है, अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे तो सारे घर जो है बंद है, तो हमें जो है ऊँट पे जाना है। तो ऊँट कहाँ पे था, मेरे ख्याल से ऊँट जो है पीछे था। और यहाँ पे थोड़ा सा जंप करने में मुश्किल हो रहा है, इधर पे एक जंप से आके, मेरे ख्याल से इधर से ही ऊँट का रास्ता है क्योंकि इधर जो है पेड़ वेड़ दिख रहे हैं। तो चलो चलते हैं। ओके, हाँ यही फॉरेस्ट है, तो जाएंगे। और यहाँ पे जो है एक मॉन्स्टर है, इसका नाम क्या है, ग्रास वकर वलकर वकर, हाँ कोई भी बोल लो, मुझे इंग्लिश वैसे भी नहीं आता। ओके, वाइल इन द एयर प्रेस जंप बटन अगेन टू परफॉर्म डबल जंप। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मुझे याद है, ऐसे ही बताया इन्होंने, मैं जो भूल गया था। हाँ ये देखो, हम लोग अगर डबल जंप करते तो ज़्यादा कूद सकते, इसीलिए मैं सोच रहा था। यहाँ पे देखो, तभी मैं सोचूं, पहले मैंने जब खेला था तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा जंप कर पाता था, बिल्कुल ऐसे ही। और इन घास को काटना ज़रूरी है क्योंकि इनसे जो है हमें जेम मिलते हैं, जो कि आप लोग कॉर्नर पे देख ही रहे होंगे। तो फिर से एक ग्रास वॉकर को मार दिया हमने। और यहाँ पे कुछ बता रहा है, होल्ड द जंप बटन डाउन लॉन्गर टू जंप हायर। ओके, तो जंप बटन को अगर आप लोग लॉन्ग प्रेस करते हो तो आप लोग ज़्यादा हायर जंप मार पाओगे। तो यहाँ पे ऊपर एक चेस्ट है, तो चेस्ट को लेंगे हम लोग। यहाँ पे डबल जंप से उठ गए और एक जेम, एक नहीं 5 जेम मिले। ओके, लाल जेम में जो है एक से ज़्यादा जेम कंटेंट होते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक ग्रास वॉकर आ गया है, लेवल 1 का है, तो ये जो है आगे आगे जाते जाते स्ट्रांग होते जाएंगे, तो इनको मारते चलेंगे। तो यहाँ पे और घास है, इनको भी काटेंगे और इसको मारेंगे। मार दिया एक और ग्रास वॉकर, इधर पे ऊपर से रास्ता जा रहा है। ओके, ऊपर से एक रास्ता था, चलो पीछे चलते हैं। हाँ, ये ऊपर वाला जो रास्ता देख रहे हो शायद यहीं से हमें जाना है। तो एक जंप, और यहाँ पे ब्रिज है भाई, ब्रिज लटक रहे हैं ये भी पुराने सारे टाइम के ब्रिज होंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, और घास काटना ज़रूरी है क्योंकि इनसे हमें जेम मिलता है। फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बाद में ज़रूर मिलेंगे, तब मैं आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग फॉरेस्ट के एक और भाग में आ चुके हैं। मेरे ख्याल से यहीं पर हमने मास्टर को लड़ते हुए देखा था,
ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है मुझे, तो एक जंप एक और जंप ओपी जंप। ओह हाँ, मैंने बोला ना ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, तो यहाँ पे शायद अपने और मास्टर के साथ कन्वर्जेशन होगा। ओ व्हाट वाज हैपेंड हियर, ओके। तो भाई तूने सपना तो देखा ही था मास्टर, यू आर क्या लिखा था पता नहीं। और यहाँ पे मास्टर ने ही इज़ नॉट ब्रीदिंग, समथिंग मस्ट हैव अटैक्ड हिम, ओके ही सीम टू बी कैरिंग ए नोट। अच्छा, तो उन्होंने एक नोट छोड़ के गया है जहाँ पे लिखा था इफ़ यू आर रीडिंग दिस ही मस्ट बी डाइड, ओके हमारे जो मास्टर है वो मर चुके हैं, करप्ट, ओके। तो यहाँ पे जो है मॉन्स्टर आ चुके हैं हमारे विलेज में अटैक करने के लिए, तो मैं अकेला ही जो हूँ उनको रोक सकता हूँ क्योंकि मास्टर ने मुझे ही ट्रेनिंग दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि विलेजर के जो एल्डर्स है उनके पास जाए और वो मुझे क्या करना है वो बताएंगे, और मास्टर जी जो है अपना पावर हमें दे रहे हैं जो कि एक मैजिक स्पेल का आइटम है। ओके, तो यहाँ पे एक अर्थक्विक आ चुका है। व्हाट वाज दिस, दिस इज अर्थक्विक बेटा। तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। क्या हम लोग ऊपर से निकल सकते हैं? ओह इधर पे तो रास्ता बंद है। चलो 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 जल्दी 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 चलो जल्दी चलो। ओ भाई क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ? ओ भाई देखो ये मॉन्स्टर फिर से आ चुका है यहाँ पे। आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो। अरे भाई अपने मास्टर को तो मारते, तो हम लोग हम लोग यह मैजिक आइटम को फेंक सकते। यू आर नॉट मस्ट टू मी। ओ भाई, और इसने हमें मार दिया। क्या हम लोग मर गए या फिर बेहोश हो गए? मेरे ख्याल से हम लोग बेहोश हो गए, अगर मर गए तो गेम का मतलब ही क्या रह जाएगा। ओके, तो हम लोग जो फिर से अपने हीलर्स के हाउस में आ चुके हैं इस बार हम लोग, जो कि बंद था पहले। वेकअप कम ऑन। अच्छा ओके, थैंक गॉडनेस यू आर फाइनली कौन से। ओके, हम लोग जो है ये बेहोश हो चुके थे और ये हीलर साहब जो है हमें लेके आ चुके हैं वो उठ से। तो मैं जो है बहुत देर से सो रहा था, यही ये मुझे बता रहा है, और ये मुझे बता रहा है फिर से अगर हेल्प का ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। क्यों भाई तू कैसे हिल देता है? हाँ हमें भी बता ज़रा भाई। हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? हाँ ओके, तो छोड़ो हम कुछ और दिशा में जा रहे हैं, तो अब स्किप करो भाई, इतना इतना बक बक कान सुनता है भाई। स्किप करो, स्किप करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी से टैप करो स्क्रीन में, तो ये जल्दी से चले जाएगा। ओके, फाइंड द लेजेंडरी वेपन, इट सो डार्क हियर। डैड मम्मी है नहीं घर पे, बंद कमरे में घुस के। कुछ भी चलो फिर से हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। वो पे क्या लिखा है? ओके, तो अभी देखो ये पोर्टल भी जो है यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। मेरे ख्याल से इस पोर्टल से हम लोग जो है ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और यहाँ पे शॉप भी ओपन हो चुका है, तो देखेंगे शॉप में क्या क्या है और हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ है, ये कुछ है, और यहाँ पे एक स्वॉर्ड है। तो ये स्वॉर्ड का दाम है 80 जो है वो इसका कॉस्ट है, तो हम लोग ज़रूर लेंगे इसको बाद में। तो अभी तो हम अपने पास 5 जेम है, तो 80 जेम होने के बाद हम लोग जो है इसे आके ले जाएंगे। तो जेम कलेक्ट करने के लिए 2-3 ही रास्ते हैं। मॉन्स्टर को मारो उनसे मिलता है, चेस्ट है चेस्ट से मिलता है, और ये जो घास है या फिर हाड़ी मटके जो बोलते हैं उन्हें फोड़ के भी हम लोग ले सकते हैं। यस करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। तो इन्होंने हमें बताया था कि एल्डर हाउस में जाने के लिए वही जो है हमें अगले, यहाँ पे देखो मैंने घास काटा और मुझे 1 जेम मिला, तो ऐसे ही मिलते रहते। और ये क्या है मैंने, ओ भाई हम लोग जो है चीज़ों को फेंक सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे यू मे पास हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जो है मेरे ख्याल से गाँव का गेट का रक्षक है। ओके, तो जाएंगे आगे, तो चलते हैं आगे। तो यहीं पे हमें शायद जाना था, और ये फिर से हारी इनको फोड़ेंगे क्योंकि इनसे हमें चीज़ें मिल सकता है। और फिर से जो है ये ग्रैश वर्कर आ चुके हैं खास में चलने वाले मॉब, और मारेंगे इनको। ये देखो अभी जो है ये लेवल 2 का हो चुका है, पहले जो है ये लेवल 1 का था। और यहाँ पे देखो फिर से हमें एक और जेम मिल चुका है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि खास को काटा करो क्योंकि जेम मिलता है। तो इधर पे जो है मटके से रास्ता बंद करके रखे थे लेकिन हम लोग तोड़ के घुसे। ओ भाई, ओ मैं भूल ही गया था, हाँ ये मॉब जो है घास बन के छुपे रहते हैं, तो मार देंगे इनको भी, कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। और यहाँ पे हमें फिर से कुछ जेम मिल चुके हैं, तो अभी जाएंगे ऊपर। तो ऊपर में एक और हाड़ी है, इसको भी फोड़ेंगे। ओ भाई क्या ही जंप करके फोड़ा मैंने। और यहाँ पे अपना मैजिक आइटम ब्लिंक हो रहा था, तो इससे जो है मैजिक आइटम न्यू मिला। जो भी न्यू चीज़ मिलता है वो ब्लिंक करता है ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हमें कुछ नया चीज़ मिल चुका है। तो ये अभी 2 लेवल के हो चुके हैं। और ओ यहाँ पे, ओ मुझे लगा ही था कि यहाँ पे भी छुप के बैठा होगा। यहाँ पे क्या है, डबल टैप टू रन। ओके ओके, अगर हम लोग डबल बार प्लेस करते हैं, हाँ तो ये जो है फास्ट भागेगा। देख सकते हो आप लोग पीछे में जो है, अगर ये फास्ट भागता है तो पीछे से धुआं छोड़ता है, अगर नॉर्मल भागता है तो कुछ नहीं करता।
तो ये जो है ग्रास वर्कर, इनको भी मारेंगे। और यहाँ पे हमारा लेवल अप हो चुका है, तो हम लोग किसी भी एक चीज़ को अपग्रेड कर पाएंगे। तो मैं हील को करूँगा, क्योंकि अभी हमें जो है हील की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने हील को यहाँ पे प्लस कर दिया है, तो जब जो ज़रूरत होगा तब वो ले लेंगे। तो अभी तो कुछ लेवल तक जो है मैं हील ही लेने वाला हूँ लेवल अप होने के बाद। तो ये भी एक लिमिटेड ही है, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों का लेवल अप होता जाएगा और आप लोग अनलिमिटेड हील ले लोगे। नहीं, हील भी शायद आप लोग कुछ लिमिटेड ही ले सकते हो। तो यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता है, तो जाएंगे सारे जगह को जो है एक्सप्लोर करेंगे आप लोग। जी हाँ, यहाँ पे जो है एक अंडरग्राउंड टनल है। ओके, यहाँ पे जो है हमारे लिए एक चेस्ट है, तो जाएंगे और यहाँ पे मटके को तोड़ेंगे। मटके से कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, और इसको फेंक के तोड़ेंगे। ओ भैया, ओके, तो इससे हमें 3 लाल जेम मिल चुके हैं और हमें बहुत सारे कॉइन हो गए, 36 कॉइन हो गए, मतलब जेम हो गए, जो भी बोल लो आप लोग, तो 36 जेम हो गए। तो यहाँ पे देखो, केब में घुसने के बाद ये ग्रास जो है फिर से रिसेट हो गए, और हाँ, ये मॉब भी जो है फिर से आ गए। मैंने एक बार इनको मार के गया था। ये जो है देखो सारे, अच्छा, केव में जाने के बाद सारे चीज़ रिस्टार्ट हो जाता है। एक बार पीछे जाके, हाँ ये देखो, ये मॉब भी जो है वापस आ चुके हैं। तो छोड़ो, पीछे नहीं जाएंगे, सामने ही जाएंगे। एक बार देख लेते हैं, सब कुछ रिसेट हो गया क्या? यहाँ पे जो मॉब फिर से आ चुके हैं, तो मार लेते हैं इनको, एक्सपी मिलता रहेगा यार, कहा जाता है अंत में। तो हाँ, यहाँ पे जो है देखो सारे घास फिर से आ चुके हैं, और ये देखो वो जंप वाला, जहाँ से हमें ये पता चला कि स्पिन से जो है हम लोग जो है ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादा ज़ोर से चल पाते हैं। तो छोड़ो इस बात को, जाएंगे आगे। तो यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता है मेरे ख्याल से, ये तो हम जा चुके हैं, तो यहाँ से भी नीचे जाने का रास्ता नहीं है। तो इनको मारेंगे। ओ भाई, ये पहली बार इन्होंने मुझे डैमेज दिया। और ये देखो, मॉब को मार के भी हमें जो है जेम मिलता है कभी कभी, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो ऊपर जो है एक ब्लॉक है, तो हम लोग उस पर जंप नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ घास है, और देखो 2 जेम मिल गए 3 घास से। ओके, और यहाँ पे फिर से कुछ ग्रास वर्कर है, इनको भी मारेंगे और एक्सपी कलेक्ट करेंगे। ये लोग बस उसी काम, ओह ये लोग खून भी देते हैं। तो देख सकते हो मेरा जो है हाफ आर्ट कम था, अभी जो है हाफ आर्ट फिर से फुल हो चुका है। ओके, तो इसको भी मारेंगे, और ऊपर कुछ ब्लॉक था उसको भी लेना है मेरे ख्याल से। यहाँ पे हाँ, मॉन्स्टर उतरेगा, जो भी ज़्यादा बड़ा वाला घास होता है ना, तो यहाँ पे देख लेंगे क्या प्रेस द यूज़ बटन। ओके हाँ, तो मुझे जो है इसको लेके जाना है अपने साथ, अपने सर पे उठा के। तो यहाँ पे जंप करते करते चलते, मेरे ख्याल से इसका ज़रूरत पड़ेगा सामने। ओके, तो इसे फेंक के रखेंगे हम लोग, और नीचे मेरे ख्याल से जाने का रास्ता है। अरे नहीं था, अरे भाई सॉरी, अरे यार गलती हो गई, मुझे लगा नीचे जाने का रास्ता था। ये पत्थर ऐसे शेप कर रहे थे कि नीचे जाने का रास्ता हो। तो कोई बात नहीं, अपना हाफ हार्ट ही गया मरने के बाद भी। तो वो देखो साइड में एक आइलैंड जो है फ्लोटिंग कर रहा है, तो उस पर भी हमें जाना है मेरे ख्याल से, वहाँ पे भी हमें कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे ऊपर एक रास्ता है, नीचे एक रास्ता है, तो किस पे जाए? चलो सबसे, ओ भाई मैं भूल ही जाता हूँ, बात करते करते याद ही नहीं रहता। ओके, इसने हमें हील भी दे दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से शायद हम लोग, हाँ, फ्लोटिंग आइलैंड जो दूसरी तरफ से दिख रहा था कि ये हवा में तैर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे, ओ भाई देखो, एक घास से हम लोग 3 जेम कलेक्ट कर लिए। और यहाँ पे देखो इस मॉब ज़्यादा शाना, ओ भाई डैमेज दे दिया, तो हिम्मत कैसे हुई? ओ ब्लड भी दे दिया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ से ओके, ये कुछ मिल चुका है मेरे ख्याल से, इससे जो है एक्सपी ज़्यादा बढ़ते हैं। हाँ देखा, मेरा जो है लेवल 2 से लेवल 3 हो गया। तो यहाँ पे हील ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, ओनली हील, क्योंकि अभी हील का ज़रूरत है। अभी देखो 3 हार्ट से हमारा 5 हार्ट हो चुका है। तो फिर से आएंगे पीछे, और यहाँ पे देखो कहीं पे भी जाने पे जो है पीछे वाला चीज़ें रिसेट हो जाता है। मैंने इस मॉब को मार के वहाँ पे गया था, और देखो वो आइलैंड भी रिसेट हो गया। लेकिन खजाना रिसेट नहीं होता, ऐसा मत सोचो कि खजाना भी रिसेट हो जाएगा, तब तो अनलिमिटेड कॉइन हो जाएगा अपने पास भी, वैसा नहीं होता। मॉब ग्रास ये सब भी रिसेट होते हैं आपको मारने के लिए, ठीक है, और बाकी चेस्ट वेस्ट रिसेट नहीं होते, तो उसका फिक्र मत करो। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट वाले एरिया पे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले पार्ट में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।